वेलकम बैक टू माई चैनल। बहुत दिन बाद डेली व्लॉग लेके आई हूँ आपके सामने। काफ़ी कुछ काम का पड़ा हुआ है। अभी आप लोग जानते हैं जैसा कि मैं बाहर गई थी यानी कि कानपुर गई थी, वहाँ से आने के बाद काफ़ी कपड़े बैग में जो है अभी वो अनपैक भी नहीं हुए हैं। बीच में रेनोवेशन का काम चल रहा था घर पे, वो भी आधा अधूरा छोड़ के मैं भाग गई थी वहाँ घूमने घामने, और अब वो भी फिर से थोड़ी सी ठंड कम हो तो फिर से शुरू करना है क्योंकि काफ़ी टाइम है, काफ़ी टाइम लगेगा उस पर। तो चलिए दिखाते हैं कि अभी तक अनपैक क्यों नहीं किया। देख लीजिए, एक बैग खोल दिया ये, तो उसकी ये हालत है। अभी ये सब खोल रहे हैं, अभी ये सारा ये अनपैक होगा और फिर जो है वॉश होके फिर जो है कहीं ये सब काम अभी बाकी है। उसके बाद जो है थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग टेबल या वैनिटी जो है वो क्लीन करनी है, तो वो भी इस तरह से जो है लगा रखा है। तो चलिए इसको भी बैक कैमरे से दिखाई देते हैं। थोड़ा सा बस क्लीन करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं करके गई थी, मैं कुछ फैलावा अभी नहीं की हूँ क्योंकि वीडियोस जो मैं बना के गई थी अभी वही नहीं डाले हैं। कुछ पार्सल्स आए हैं अभी, ये देख सकते हैं आप। अभी इसको खोलना है, देख लेते हैं, अनबॉक्सिंग वीडियो बना डालेंगे जिससे कि एक व्लॉग के लिए कंटेंट भी हो जाएगा। और काफ़ी कुछ मैं सॉर्ट आउट करके गई थी, ये देखिए, जैसे आई मेकअप का सारा सामान, ये सारे ये ब्लशेस हैं मेरे, आई लाइटर्स हैं, ये मेरे कॉम्पैक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट मैं करके गई थी। बस थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें रह गई हैं। ये मेरा आईफोन थोड़ा सा ख़राब हो गया, दिखाना है मिनी स्टोर पे दिखाना है। ये मेरे फाउंडेशंस हैं, इसी में प्राइमर्स भी हो गए हैं, तो बस वही लूमी क्रीम प्राइमर्स सब एक साथ हो गए, बस वही थोड़ा सा ठीक करना है। बाकी जो है हीरा है मेकअप की, यानी कि आप इसको एक टोटल वैनिटी कह सकते हैं। इसमें मैंने एक शेल्फ ऊपर लगा जैसे रखा है शीशे का, ये है, ये देखिए कांच के शीशे का, इसके ऊपर मैंने मिसलेनियस आइटम्स जो है लगा रखे हैं बड़े, जो डेली मतलब उतारना वतारना नहीं होता है। इसमें देखिए ये एक ट्रे पे मेरे सारे सीरम्स रखे हैं जो मैं डेली में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये अभी नए प्रोडक्ट्स हैं, अभी ये इसको भी नहीं खोला है, कोई भी अभी रिव्यू नहीं हुआ है इन सब का, अभी होना है। ये देखिए ये भी एक कुछ है माइक्रो वाला क्यूटी मैक्स क्रीम, तो अभी इन सब का होना है। और काफ़ी चीज़ें हैं अभी, इसके अलावा भी काफ़ी मैस था जो कि बहुत मुश्किल से सॉर्ट आउट हुआ है, अभी नहीं हुआ है, करना है। सामान ज़्यादा है, रखने की जगह थोड़ी सी मुझे लग रहा है कम है। आप लोग कहेंगे इतनी चीज़ें रखी हैं अलमारी में रखी हैं फिर भी जगह कम बता रही हैं, लेकिन मेरे पास एक्चुअली में मेकअप और स्किन केयर ज़्यादा है जो कि मुझे सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा। ये देखिए, और सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छे से करना है। जैसा कि आप जानते हैं मेरी आदत, बहुत ज़्यादा मैस फैला के रख देती हूँ और उसके बाद जो है रोना गाती हूँ कि हाय कैसे करूँ, हाय कैसे करूँ, लेकिन हाँ अच्छे से मुझे करना है और मैं आज ही या कल के अंदर ही इसको सॉर्ट आउट भी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सजा के ही रखा है अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और जगह कम है, मुझे एक अलमारी ऐसी बड़ी वाली और चाहिए होगी, तब ये मुझे मतलब बहुत अच्छे से जैसे सेग्रीगेट करके जैसे नहीं होता इसका, ये स्किन केयर का सीरम्स का, ये रेटिनॉल का, ये तब जाके हो पाएगा। अब आपको व्लॉग में मेरा वर्क आज समझ में आ गया होगा कि मुझे किस तरह आज सॉर्ट आउट करना है और मुझे सारी चीज़ें आज क्लीन करनी है, क्लियर करनी है। सुबह से झाड़ू पोछा घर का मतलब सारा क्लीनिंग हो चुकी है, नाश्ता हम लोग का हो चुका है, खाना हम लोग सोचेंगे, बस समझ लीजिए आप लोग के मतलब जीजा जी यानी कि मेरे ये और हम अकेले हैं। बेटा नाश्ता वाश्ता करके चला गया है, वो रात ही में खाएगा आके, तो बस दो लोग हैं तो थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बना लेंगे बस, बाकी आज ये सब काम निपटा लेना है जिससे कि मेरे डेली के व्लॉग्स भी शुरू हो जाएं और बाकी वीडियोस के काम भी शुरू हो जाए। ये पड़ा रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, वो पड़ा रहेगा तो ये नहीं हो पाएगा। तो चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया, आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। व्लॉग पे थे तो इसलिए मैंने अभी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ स्किन केयर किया हुआ है, तो क्लीन स्किन एंड क्लियर स्किन लग रही है, कोई भी मेकअप मेरे फेस पर नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।